वेलकम बैक का आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर ठीक है एनिमेशन लाइक कि अगर हम किसी इमेज के ऊपर टैप करते हैं तो कैसे धीरे 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 करके डिसअपियर हो जाती है तो एक काम करते हैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जस्ट फाइल न्यू प्रोजेक्ट ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट का जो नेम है वो हम रख देते हैं एनिमेशन एग्जाम्पल ओके देन जस्ट क्लिक नेक्स्ट ओके okay, uh, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हमें कौन सा वर्जन में मतलब कौन से वर्जन स्टार्ट से करना है हमारे एप्लीकेशन को सपोर्ट करवाना सो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है ये नॉर्मल से ओके क्लिक नेक्स्ट क्लिक एम्प्टी एक्टिविटी क्लिक फिनिश ओके okay, uh, तो जो आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाए अब हमें चाहिए दो इमेजेस क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक पे टैप करूँ तो वो धीरे दिर धीरे फेड होती रहे सेकंड वाली इमेज हमारी शो हो जाए राइट जब मैं दूसरी बार पे क्लिक करूँ फिर वो धीरे दिर धीरे फेड हो जाए और जो फर्स्ट वाली है वो हमारी शो हो जाए तो ऐसा कुछ हमें परफॉर्म करना है तो फिलहाल हमें दो इमेज़ चाहिए होंगी तो पहले तो मैं इस एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हमने नया क्रिएट कर लिया है ओके तो इतना करने के बाद में जैसे आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करो और वहाँ पे जाके सर्च करो पहले से हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप कॉपीराइट आप इशू आपके ऊपर ना आए तो आप विकीपीडिया से इमेजेस ले सकते हैं तो फिलहाल इनका जो साइज़ होता है वो भी अच्छा होता है हमें कुछ से क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए मैं विकीपीडिया यूज़ करने वाला हूँ तो जस्ट सर्च फॉर कोई सी भी इमेज ले लेते हैं मैंने लस्से लिया टोनी स्टार्क ओके तो हमारा एक मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का है देखता हूँ भाई अगर यहाँ पे इमेज मिल जाती है ओके हेयर वी इट तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा और उम्मीद थी इससे मुझे ये इमेज नहीं चाहिए थी टोली स्टार अगर कोई एनिमेशन में हो तो ज़्यादा बेटर लगता ओके हेयर वी इट आयरन मैन तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बात और यार जब भी हम ना एंड्रॉयड के अंदर इमेजेस वगैरह यूज करना चाहता है ठीक है किसी टाइप का भी रिसोर्स हो तो यार हम ना उसके अंदर पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग हमेशा हमारी किससे होती है लेटर से ठीक है लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉय के इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि आपको जो रिसोर्स का नेम है वो स्मॉल लेटर्स में रखना है ठीक है आप नंबर्स अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं लेकिन कैपिटल लेटर नहीं तो फिलहाल यहां पे आपको स्मॉल में लिख दिया यहां पे जस्ट आयरन मैन ओके डेस्कटॉप इसे सेव कर दिया एक काम कर लेते हैं आप तो टोनी स्टार को भी ले ही लेते हैं क्या आएगा है यार <laughs> एंटर एंड नहीं भाई हमें ये वाला नहीं चाहिए था वी वांट सेकंड वन पर ओके मैंने इस इमेज को भी कॉपी कर लिया स्टोरी ओके तो दो इमेजेस मेरे पास यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हैं तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ जस्ट क्लिक एंड क्लिक राइट क्लिक कॉपी ठीक है हमारा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट ओपन करेंगे एंड ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर हम इन इमेजेस को पेस्ट करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके बारे में तो मैं ड्रॉएबल पे राइट right क्लिक कर रहा हूँ एंड जस्ट क्लिक पेस्ट क्लिक ओके 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 तो यहाँ ड्राइवर के अंदर मेरी दोनों इमेजेस आ गई अब हम क्या करेंगे इस इमेज को शो करवाने के लिए इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्समल डिज़ाइन ओके तो फिलहाल जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़ जाए और हाँ हम कंस्टेंटली लेआउट यहाँ पर यूज़ करेंगे अभी हम रिलेटिव लेआउट यूज़ नहीं कर रहे हैं अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं नोट आ प्रॉब्लम इमेज व्यू को उठाया यहाँ पर पुट किया ठीक है यहाँ पर आप प्रोजेक्ट पर जाकर अपनी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी इमेज को शो करना है तो मैं चाहता हूँ कि पहले टोनी स्टार वाली इमेज शो हो ओके okay, तो अब हमें ये फुल विथ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे इसे कर दूंगा मैच कंस्टेंट सॉरी हाँ नॉट 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 कई बार ना आपका माइंड कहीं और होता है तो कुछ और ही हो जाता है ओके <laughs> okay, uh, तो जस्ट ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम मतलब uh, ड्रैग करके पूरी फुल स्क्रीन पे कर देंगे अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते जस्ट क्लिक इस पर सबको जीरो ज़ीरो पे सेट कर देंगे ठीक है तो हमारा फुल विड्थ पे ये स्क्रीन पे आ जाएगा ओके तो हम यहाँ पे इमेज जो हमारी है उसका जो टाइप है स्केल टाइप वो चेंज कर सकते हैं मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फिट एक्स वाई ओके तो हमारा ये पूरा दोनों एक्सेस एकदम फिट इमेज आ जाएगी फुल स्क्रीन पर ओके अब हमें क्या करना है कि इस पर हम क्लिक करें तो हमारी धीरे धीरे करके गायब हो जाए ठीक है ये हमें परफॉर्म करवाना था तो जैसे हमारा बटन का ऑन क्लिक फंक्शन होता है तो वैसे यहाँ पे हमारे पास में ऑन क्लिक फंक्शन है व्यू ऑल एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे ठीक है यहाँ पे हम देखेंगे ऑन क्लिक हेयर वी हैव इट तो सेम जैसे हम क्लिक पे बटन के हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे लेस से फंक्शन का नाम हमने रख लिया फेड ठीक है भाई रख लिया ना अब इस फंक्शन को चल के बनाते हैं तो बनाने से पहले मैं एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारा जब सेकेंड टाइम एप्लीकेशन रन होता है थोड़ा तो कम टाइम लेता है ठीक है तो मैं एप्लीकेशन रन करने के बाद में यहाँ पे वापस आ गया अब यहाँ पे आकर बनाते हैं फंक्शन फंक्शन का नाम क्या रखा था हमने फेड तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा पब्लिक वाइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वाइड एंड फेड ओके हम यहाँ पे व्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं हालांकि से और बटन व्यू नहीं है हमारा कौन सा व्यू है इमेज व्यू है यहाँ पे एक एरर आ रही है व्यू पे क्योंकि हमने इसे इम्पोर्ट नहीं किया है तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा आल्ट एंटर ठीक है तो हमारी इम्पोर्ट हो जाएगी फायर इसकी यहाँ पे इम्पोर्ट ओके ठीक है भाई अब इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं कि जैसे हमारा फंक्शन कॉल होता तो हमें क्या परफॉर्म करवाना है ओके तो फिलहाल तो मैं खाली इतना चेक करना चाहता हूँ कि क्या क्लिक पे हमारा फंक्शन रन कर रहा है नहीं कर रहा है तो आप लॉग यूज़ कर सकते हैं आप टोस्ट यूज़ कर सकते हैं फिलहाल हम लॉग का कर यूज़ करने वाले हैं लॉग डॉट आई इसके अंदर हम एक टैग पास करेंगे ठीक है मैं कह रहा इन्फो कॉमा स्ट्रिंग शो करनी है प्रेस्ड ठीक है और यहां पे लॉग को भी इंपोर्ट करना होगा तो जस्ट क्लिक लॉग एंड क्लिक ऑल्ट एंटर ठीक है ऑल्ट एंटर और हमारा क्या हुआ रहा से ओके ठीक है Uh, तो हम लॉकेट खोल लेते हैं और इस एप्लीकेशन को री रन कर लेते हैं अच्छा आप इसको भी यूज़ कर सकते हो ठीक है भाई uh, जो यहाँ पे ऐप सॉरी ये जो हॉट रिलोड आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका जितनी जल्दी हो सकेगा अगर आपने कोई माइनर चेंजेस किए हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर तो वो मैक्सिमम जितनी जल्दी मिनिमम टाइम में ओपन करने की एप्लीकेशन को कोशिश करेगा तो फिलहाल हम इसका यूज़ करेंगे तो क्रेडिट बिल्ड रनिंग यहाँ पर आ रहा है एक बात और यार यहाँ पर हम फिल्टर्स लगा लेते हैं क्योंकि हम इतने सारे मैसेज को नहीं दिखना चाहते हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमने खुद से ऐप में क्रिएट किए हैं वो मैसेज शो हूँ है ना तो यहाँ पे फिल्टर्स यूज़ कर लेता हूँ शो ऑनली सेलेक्टेड एप्लीकेशन तो ये एक्स्ट्रा जो बकवास थी अब वो नहीं आएगी हमें सिर्फ और सिर्फ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो एप्लीकेशन की तरफ से एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है सिर्फ वो यहाँ पर शो होंगी ओके रन हुआ आई थिंक हमारा एमरेटर पर शो हो गया होगा अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे इस इसमें क्लिक कर रहा हूँ आपको दिखाई पड़ा होगा यहाँ पे क्या रहा है प्रेस्ड इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है इस इमेज के क्लिक पर हमारा ये फंक्शन रन हो रहा है ठीक है बार करेंगे उतनी बार प्रेस्ड यहाँ पर आ जाएगा सिंपल तो फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे हमें पता है हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है अब हम बात कर रहे थे कैसे इसको फेड आउट करना है ठीक है कैसे मैं इमेज को धीरे धीरे गायब करना है ठीक है भाई आ, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा इमेज व्यू क्योंकि हमारी जो इमेज है वो उस इमेज व्यू के अंदर है ना ठीक है तो हम एक इमेज व्यू ले, ले लेते हैं इमेज व्यू लैसे टोनी इमेज व्यू उसका नाम रख लिया मैंने टोनी इमेज व्यू ओके तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ओके आर्ट एंटर इंपोर्ट कर लिया इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी से हम आईडी uh, डी के थ्रू हमने इमेज व्यू को जो हमारा लेआउट से इमेज व्यू है उसको फैच करते थे राइट right? तो यहाँ मैं आर डॉट आई डॉट ओके तो चेक कर लेते हैं हमारे हम जो नाम दिया है इमेज व्यू का तो जो आई है इमेज व्यू की वो क्या है क्लिक किया हेयर यू कैन सी इट आई इमेज व्यू उसका नाम थोड़ा सा तो और अच्छा रख लेता हूँ टोनी इमेज व्यू ठीक है तो अगर हम वापस आए जाए अपने कोड के ऊपर तो यहाँ पे आर डॉट आई डी टोनी इमेज व्यू आ जाएगा अरे वाह इसका इसका नाम सेम हो गया चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे ठीक है फिर हम अपने इस, इस व्यू को क्योंकि यहाँ से हमारा व्यू रिटर्न हो गया है इसे कास्ट कर लेंगे इमेज व्यू के अंदर तो ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम ऑलरेडी तो आई थिंक इसको समझाने वाली बात है नहीं ठीक है इतना करने के बाद में अब सिंपल सी एक लाइन और रह गई है वो हमारी है इमेज व्यू डॉट एनिमेट इमेज व्यू जो सॉरी टोनी इमेज व्यू इमेज इमेज का नाम है टोनी इमेज व्यू ठीक है इसका एक मेथड है एनीमेट uh, ओके okay? तो अब इसे एनिमेट करना है ठीक है कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे हमारे पास में एनिमेशन अवेलेबल हैं ओके okay? तो फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अल्फा अल्फा अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमने जो कुछ पिछली हमारी वीडियोस थी उसमें अल्फा यूज़ किया था टेक्स्ट व्यू के ऊपर uh, उस टेक्स्ट व्यू को कितना सॉलिड रखना है वो दिखाने के लिए है ना तो जो अल्फा की वैल्यू होती है वो हमारी होती है जीरो से लेकर वन के बीच बीच में जीरो पे बिल्कुल नहीं दिखेगा और वन पे हमारा दिख जाएगा है ना ठीक है भाई अल्फा में यहाँ पास कर देता हूँ जीरो okay. तो आई थिंक इतना काफी है रन करें सॉरी मैं हॉट रिलोड कर रहा हूं ओके okay, लॉन्च हो गया हमारा एप्लीकेशन तो मैं इस पर टैप कर रहा हूँ तो ये मेरा फेड आउट हो गया लेकिन आपने देखा होगा बहुत जल्दी हो गया इतनी जल्दी तो हमें करना भी नहीं था है ना तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि, कि कितनी देर में हमें इसे फेड आउट करना है तो मैं डॉट सेट ड्यूरेशन यहाँ पे यूज़ कर लूँगा इसके अंदर हम पास करते हैं मिली सेकेंड्स एक सेकेंड में हमारे वन थाउजेंड मिली सेकेंड्स होते हैं तो अगर आपको दो सेकेंड में इसको फेड आउट करना है तो आप यहाँ पर दो हज़ार मिली सेकेंड्स का यूज़ करेंगे ओके नाउ रन इट अगेन ओके okay, हमारा हो गया इमेज आ गई मैं इस पर टैप कर रहा हूँ ठीक है देखेंगे बहुत धीरे धीरे दो सेकंड के अंदर हमारी इमेज गायब हो गई ठीक है भाई तो ये हमारा पहला काम पूरा हो गया हमारी पहली इमेज पूरी हो गई ठीक है पहली टास्क पूरी हो गई इमेज पूरी नहीं हो गई ओके अब मैं चाहता था कि ये इमेज अगर हमारी चली गई है तो मेरी सेकेंड इमेज है वो शो हो जाए है ना तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं एक काम करते हैं हम एक और इमेज व्यू को ले लेते हैं ओके बहुत सारे तरीके हैं करने के आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं तो फिलहाल मैं इस इमेज व्यू को एक और इमेज व्यू इसके ऊपर ले लूँगा लेकिन हाँ एक काम और भी कर सकते हैं हम टेक्स्ट पे जाके तो अगर आपको सेम प्रॉपर्टीज चाहिए से हमें फिर से सबको सेट करना पड़ता है मार्जिन वगैरह तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर पे पेस्ट करने के हाँ इसमें एक और इमेज व्यू आ जाएगा ओके आ, तो मैं इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ टाइम जो आईडी है हमारी वो है आयरन मैन इमेज व्यू आयरन इमेज व्यू ठीक है ओके okay, जो हमारा इमेज नाम है वो यहाँ पे टोनी नहीं है इस बार है हमारा आयरन मैन ठीक है आपने कब कर नोटिस करिए कि हमको सारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है आई लिखोगे ऑटोमेटिकली आता है कि भाई वह, भाई आपके पास में आयरन मैन नाम से एक, एक रिसोर्स पड़ा है क्या आप वो चाहिए जस्ट क्लिक एंटर तो सब कुछ हमारी प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन आ, हमें क्या करना होगा ना कि जो अभी जब ये रन हो क्योंकि रनिंग पे हमें ये वाली इमेज चाहिए ठीक है हमारी पिछली वाली टोनी की गायब हो गई तो हम क्या करेंगे इसके अल्फा को जीरो सेट कर देंगे ठीक है मैंने सेलेक्ट किया अल्फा पे गया और यहाँ पे जीरो सेट कर दिया इसका मतलब क्या है कि हमारी स्टार्टिंग में दिखाई नहीं पड़ेगा ओके तो जब हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो हमारा पहले टोनी वाला ही दिखाई पड़ेगा अगर मैं रन करके देखूँ उसे ओके रन हुआ ठीक है अरे ये तो ये दिखाई पड़ रहा है टोनी वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है लेट मी चेक इट वंस अगेन मैं इसको सेलेक्ट किया अल्फा पे गए जीरो सेट किया एंटर किया ठीक है और जो हमारा टोनी था ओके धोखे से मुझसे टोनी वाले पे जीरो सेट हो गया था ओके सेलेक्ट वन एंटर तो हमारा रनिंग टाइम पे ये शो होगा तो अब हम क्या चाहते थे कोड पे आते हैं कि जब आ, हमारा ये वाला जो है ये वाला हमारा फेड हो जाए ठीक है तो हमारे सेकंड वाली इमेज शो हो जाए ठीक है आयरन मैन वाली इमेज शो शो हो जाए तो हम अगेन सेम करेंगे पहले तो हमें आ, अपने जो सेकंड इमेज भी बनाना है बनाया है उसको अटैच करना पड़ेगा हमारे कोड से तो मैं फाइंड व्यू वाई आई वाला यूज़ कर लूँगा फिर से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पर कर देते हैं आयरन ठीक है हाँ यहाँ पर भी इसकी आई चेंज करनी होगी हमें आयरन ओके ठीक है भाई इतना हो गया अगेन इसकी जो अल्फा सेट वैल्यू हम इसकी अल्फा वैल्यू को जीरो सेट किया है इसकी को हम वन कर लेंगे है ना जस्ट कॉपी एंड पेस्ट वन एंड यहां पे हमें टोनी वाला नहीं भाई हमें चाहिए आयरन मैन ओके डन तो हमने यहां पे बेसिकली किया क्या है पहले बो देख लेते हैं ठीक है अगर मैं इस कोड को ओपन करूँ कहाँ गया एक्टिविटी डॉट मिन एक्सम को अगर मैं इस फोटो पे क्लिक करता हूँ ठीक है तब हमारा कॉल हो रहा है ऑन क्लिक फंक्शन ठीक है ऑन क्लिक के अंदर हमने एक फंक्शन का नाम दे रखा है कहाँ गया ऑन क्लिक भाई सर्च फॉर इट ऑन क्लिक ठीक है तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे रखा है फेड तो जैसे इस इसको क्लिक करेगा तो ये फेड फंक्शन कॉल होगा हम अपनी एक्टिविटी के अंदर आते हैं यह रहा हमारा फेड फंक्शन तो सबसे पहले हमारी है लॉग जो हमारा इस के अंदर प्रिंट कर देगी लॉकेट के अंदर ये आपका बटन प्रेस हो गया तो फिलहाल हमने चेक कर लिया कि अगर खाली तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए अगेन तो मैंने क्या किया जो हमने टोनी इमेज व्यू ले रखी है लेआउट के अंदर जिसकी आई टोनी इमेज व्यू है ठीक है मैंने उसको अपने कोट के अंदर फैच कर लिया बाद में उस इमेज व्यू की जो मतलब जो ना जो विजिबिलिटी थी उससे हमने ज़ीरो कर दिया ठीक है वो भी एनिमेट करके और दो सेकंड के अंदर हमने ज़ीरो किया यानी जो हमारी इमेज थी ये शो होना बंद हो जाएगी ओके लेकिन अगेन हमने यहां पे दो सेकेंड में जो हमारी सेकंड इमेज थी आयरन इमेज व्यू जो हमारा था ठीक है उसको मैंने वन कर दिया जो कि बाय डिफॉल्ट वहां हमने इसको जीरो सेट कर रखा है ताकि स्टार्टिंग में हमारा ये वाली इमेज हो वाली ना हो सिंपल सा है सब कुछ एकदम ठीक लग रहा है अब इसे रन करके कर देखते हैं ओके okay, रन किया मैं इसे क्लिक कर रहा हूं देखो यार वो फेड हुई हमारी वाली इमेज लोड हो गई ठीक है तो ये था हमारा आज का टास्क लेकिन हाँ एक बात और अगर आप चाहते हो कि हम मैं इसको भी क्लिक करूँ और मेरी वापस पुरानी वाली इमेज शो हो जाए ठीक है तो दो तीन तरीके हैं इसको करने के हालांकि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आप प्रोग्रामिंग में कोई भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं पहला तरीका तो ये कि हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्स के अंदर जाएं इसके अंदर जाएं और इसका ऑन क्लिक फंक्शन है इसको देते हैं सेकंड फेड है ना और यहाँ पे जैसे जाएंगे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे पब्लिक वॉय सेकंड फीड है ना और उसके अंदर को, ये सेम कोड को ई वाली जो लाइन हमारी है इसको ऊपर लिख लेंगे और इस लाइन को हम नीचे लिख लेंगे और जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा वैल्यूज वो चेंज कर देंगे ठीक है सेम रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन हमें एक और फंक्शन ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी ठीक है अगर आप नहीं चाहते कि आपको फंक्शन नहीं ऐड करना है तो हम सिंपल भी कर सकते हैं एक और तरीका भी इसको करने का हम बुलियन को यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारी भी कौन सी इमेज शो हो रही है है ना आ, तो कैसे करेंगे मैं वाइट के अंदर आ जाता हूँ मैं यहाँ पे एक बुलियन वेरेबल ले लेते ले हैं बुलियन बुलियन मेरी ठीक बात है अच्छा वो सोल्जर शोल्जर था ओके वो लन मैं यहाँ पे ले लेता ले हूँ टोनी इज शोइंग ठीक है कोई एक वेरेबल ले लिया कोई ज़रूरी नहीं है वेरेबल लेना है उसको सेट कर दिया ट्रू पे क्योंकि बाई डिफॉल्ट तो हमारा टोनी शो हो ही रहा है जैसे चेक के लिए लिया है आप कुछ भी ले सकते हैं मैंने एक फ्लैग वैल्यू ले ली यहाँ पे टोनी इज शोइंग नाम की तो तो अगर इफ टोनी शोइंग ठीक है अगर हमारा टोनी शो हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं ओके लेकिन अगर हमारा टोनी शो नहीं हो रहा है तब तो हमें क्या करना है तो फिलहाल जैसे हमारा ये शो हो जाएगा हम क्या करेंगे जो टोनी इज शो शो की वैल्यू है ना टोनी इज शोइंग की वैल्यू इसको कर देंगे फॉल्स ठीक है डंडा डंडन एकदम ओके ओके आ, तो नीचे आके हम इस इफ कंडीशन को जहाँ हमारी इफ कंडीशन बंद हो रही है एल्स के अंदर हम सेम कोड को दोबारा लिख लेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली क्योंकि अब हमें क्या करना है चलो तो लिख खुद से अपने हाथ टाइप कर लेते हैं यहाँ कॉपी कर लेते हैं यार ओके okay, ठीक है फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं इमेज व्यू की बार बार से ऑन करने की मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से तो यार इसमें ये दिक्कत देगा ठीक है भाई इस इमेज व्यू को ले लो बाहर ताकि हमें एरर शो ना हो आप इस इमेज व्यू को भी बाहर ले लो ठीक है ओके okay, चीज़ सिंपल लग रही है पहले से अब इफ़ हमारी अगर टोनी की इमेज शो हो रही है तो हम टोनी के शो के अंदर फॉल्स डाल के पहले हम ये अपना एनिमेशन परफॉर्म करवा लेंगे अगर इन द केस आपकी जो इमेज है वो शो एक सेकेंड क्योंकि मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था अभी <laughs> ओके तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हमारी टोनी वाली इमेज शो हो रही है ठीक है तो हम उसके अंदर फॉल्स सेट कर देंगे अपनी फ्लैग वैल्यू के अंदर और यहाँ पे इसको एनिमेट करवा देंगे सेकेंड इमेज पे ठीक है तो अब इसके अंदर फॉल्स सेट हो गया है इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हो चुका है पार्ट अब अगर हम नेक्स्ट टाइम उस पर क्लिक करेंगे उसी फंक्शन पर तो फिर से फंक्शन रन होगा लेकिन इसका जो वैल्यू टून इस शोइंग के अंदर है वो हमारी है फॉल्स है ना तो हम इस वाले पार्ट पर चले जाएंगे और यहाँ हम सेम उल्टा परफॉर्म करवाएंगे हमें ये वाली लाइन ऊपर चाहिए ठीक है और इसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे इसको फीड आउट कर देंगे और इसको हम वापस अल्फा जो विजबिलिटी इसकी सेट कर देंगे ओके सब कुछ सिंपल लग रहा है रन किया फिर से देखते हैं कि हमारा ये जो लॉजिक है ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है? ओके okay, लॉन्च किया टैप किया टैप किया क्या बात है भाई ठीक है अच्छा लग रहा है ना एक दिन टैप कर रहे हैं तो वो उधर तो जा रहा है फिर इधर आ रहा है एक बात और अगर आपने दो बार टैप कर लिया तो वो वापस जा ही नहीं रहा है ओके <laughs> ऐसा okay, क्यों क्योंकि हम इसको ट्रू सेट कर लेते हैं वापस ठीक है टोनी इज़ शोइंग क्या हो रहा है यार टोनी इज शोइंग इक्वल टू ट्रू ओके तो फिर से रिलोड किया तो अपने खुद के लॉजिक में आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो है ना? टैप 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 क्या बात है भाई ठीक है अच्छा लग रहा है ना एनिमेशन ठीक है यार तो आज की वीडियो के लिए बहुत हो गया ठीक है तो अभी से यही रुकते हैं सो थैंक यू बाय